हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स इज़ ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और एक्सट्रीमली शानदार सा टेस्टी सी ईजी कुकिंग वीडियो में, जहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं पतला पोहा से ये बहुत ही टेस्टी सा चूड़ा चिबड़ा या जो भी आप इसे कहना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पतला पोहा ले लिया है हमने, साथ में ले लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम और काली किशमिश, साथ में ले लिया है सूखा हुआ नारियल जिसको ऐसे स्लिट कर लिया है, करी लीव्स ले लिए, कड़ी पत्ता ले लिया ये फ्रेश है, हरी मिर्ची ले ली है जिसको उस तरीके से थोड़ा सा धूप में ना सुखा सा लिया था ताकि थोड़ा लंबे टाइम तक चले इसलिए, और उसके साथ में हमने लिया हुआ है पिसी हुई चीनी, कुछ मसाले लिए हैं, साथ में हमने लिया है यहाँ पर मूंगफली और भुना हुआ चना, साथ में है मखाने। बाय द वे ये सब कुछ ना ऑप्शनल है, आप लिटरली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके साथ कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस है जिसको मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ना सबसे पहले जो पतला पोहा है इसको छन्नी की हेल्प से इस तरीके से छान लेना है, नीचे आप देख रहे हो वो वाइट वाइट जो इकट्ठा हो रहा है, अगर नहीं छानते हैं ना तो तेल में जाकर ये पूरा तेल को ख़राब करता है, इससे बेटर है कि इसको पहले ही छान के अलग कर लेना। ना अब क्या करना है, कुछ इस तरीके से मैंने इसे प्रिपेयर किया है जहाँ पर सीधे इनको तेल में ना डालते हुए पोहे को मैंने ना ये स्ट्रेनर जो है छन्नी इसमें डाल दिया है, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ऑयल नीचे से ही उसमें ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसको हल्का हल्का सा फ्राई करके देन साइड में निकाल लिया है। जैसे ही आप निकालो, एक दो बैच हो जाए, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो क्योंकि पोहा गर्म रहता है तो हल्दी स्टिक हो जाती है, तो एक बहुत ही नेचुरल सा ना लेमन येलोइश कलर उसका हो जाता है। सो बस इस तरीके से वन बाय वन मैंने ये पूरा कर लिया है। बाय द वे ये वाली जो रेसिपी है ना ये विथ ऑयल मैंने शेयर करी है, बहुत ही जल्दी मैं एक और विदाउट ऑयल चूड़ा कैसे बनाना है बिल्कुल जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी वो बेटर एक ऑप्शन है वो भी शेयर करूँगी। सो अभी इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद करी लीव्स ले लिए मैंने यहाँ पर, इसको भी इसी तरीके से डायरेक्टली तेल में ना डालते हुए छन्नी में ये डाल लिया, और उसके गर्म जो तेल है क्योंकि नीचे से तो तेल गर्म ही है उसको उसके ऊपर डाला, उससे वो बढ़िया क्रिस्पी से हो जाते हैं। और मूँगफली को मैंने डायरेक्टली तेल में डाल दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और सिमिलरली जो सूखा हुआ नारियल था हमारा खोपरा जिसे कहते हैं उसे भी तेल में डाल के देन यहाँ पर हमने इसको छान के अच्छे से निकाल लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाती है बारी ड्राई फ्रूट्स की, जैसे मैंने किशमिश और बादाम यहाँ पर लिया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट लिटरली इसमें ले सकते हैं, काजू वगैरह लेना चाहे वो आप ले सकते हो। बस उसको भी इस तरीके से फ्राई कर लिया, मखाने को फ्राई कर लिया है। अब आ जाती है बारी सौंफ की। ना सौंफ को डायरेक्टली तेल में ना डालते हुए कि एक एक को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो स्ट्रेनर में डाल लिया और गर्म तेल उसके ऊपर डाला, कुछ 3 से 4 बार आप तेल डालोगे उतने में ही सौंफ आपकी भुन जाएगी बढ़िया सी, वो भून के उसको निकाल लिया है। ऐसे ही इसी सेम स्टेप से हमने हरी मिर्ची जो है हमारी इसको भी भून लिया है और ये निकाल लिया है। नाउ अब इस सबको एक बढ़िया सा मिक्स देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हमने एडिशनली लेकर रखी थी वो ऐड करेंगे, प्लस हमारे स्पाइसेस। नाउ आ जाता है भुना हुआ चना, आप बूंदी भी यहाँ पर डाल सकते हो, इसके साथ में सेव डाल सकते हो। अब आ जाता है ये हमारी पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर अंदाज़े के लिए मैं बता दूँ आपको कि मैंने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम पोहा यूज़ किया हुआ है, इसमें मैं यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, और लगभग आधा स्पून जितना मैंने यहाँ पर नमक डाला है, नमक थोड़ा सा कम रखिएगा। इसके बाद अब इसमें हम डालने वाले हैं आमचूर पाउडर, ये घर का पिसा हुआ इसलिए थोड़ा सा अलग दिखेगा कलर आपको इसका। उसके साथ में आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, इसके साथ में हम लेने वाले हैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, मतलब अगर तीखा पसंद करते हो तो। साथ में थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर आ जाएगा क्योंकि हल्दी हमने पहले भी ऐड करी थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करेंगे। अब इसको बढ़िया सा एक मिक्स हमें दे देना है। नाउ मेक श्योर यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हो परात में कि कुछ लगभग 300 ग्राम के आसपास पोहा है, 100 ग्राम पोहा मैं इसमें इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर भी ऐड करने वाली हूँ। कुछ मैंने फ्राई किया हुआ है, कुछ मैं ड्राई रोस्ट ऐड करने वाली हूँ, सो दैट जो ऑयल है उसका वो बैलेंस आउट हो जाए। तो बस इस तरीके से फ्लेम ऑन कर इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे लग सकता है स्टील में थोड़ा सा जल्दी वो एक्चुअली कैच कर लेता है। दैट्स इट, ये भुन जाएगा, उसके बाद इसको भी सेम हमारा जो बाकी का पूरा मिक्सचर है उसमें हमें ऐड कर देना है। अभी आप देखिएगा ये कितना बढ़िया कुरकुरा ऐसे हो जाना चाहिए, जब आप इसको क्रश करो ना इस तरीके से क्रश ये हो जाना चाहिए ना। इसको भी एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ स्पाइसेस अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको हाँ बैलेंस आप कर लीजिए, एंड दैट्स इट, इट इज़ रेडी। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी, और इसे झटपट ख़त्म भी हो जाती है, बहुत लाइट है, तो इसको ट्राई ज़रूर करना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट कर ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।